नमस्कार, मैं हूँ भाई और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल भक्ता वाला लेसन में। तो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव प्रोग्राम के लिए कुछ टिप्स देने वाला हूँ। जैसे पहले मैं आपको और कुछ टिप्स दे चुका हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि मुखड़े कैसे लगाना चाहिए लाइव प्रोग्राम में, और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न की तरफ कैसे जाया जाता है। मीन्स पैटर्न चेंज करने के बीच में कौन सा आपको मुखड़ा लगाना होता है, क्या लगाना होता है। वैसे तो मुखड़ा ही लगता है उसके बीच में, लेकिन वो मुखड़ा कुछ अलग होता है, उसके अंदर बेस का यूज कम होता है। मैं आज आपको तीन ऐसे मुखड़े बताने वाला हूँ, सिंपल सिंपल तीनों मुखड़े हैं। वैसे तो बहुत सारे मुखड़े होते हैं उसके अंदर, लेकिन अपन आज ये तीन मेन करेंगे जिससे आपका लगभग लगभग काम हो ही जाएगा। तो ईयरफोन लगा के वीडियो को सुनना ताकि आपको ढोलक का साउंड सही आए। तो सबसे पहले आपको मैं आपका पहला मुखड़ा बताता हूँ। पहला मुखड़ा बिल्कुल सिंपल है, आपको ताप करके बजाना दूसरा पैटर्न। वो जैसे अपन धीटे धीना धीटे धीना ये बजाते हैं, तो इसका पैटर्न अगर अपन को चेंज करना है तो धीटे धीना धीटे धीना धीटे धीना धीटे ता धीटे धीना धीटे, आप इस तरह से पैटर्न चेंज कर सकते हैं। एक बार आप सुनिए, आपको आ जाएगा। तो 1 2 3 स्टार्ट, पैटर्न चेंज करेंगे 1 2 3 4। अब इसको भी चेंज, ऐसा धीटे धीना धीटे धीना धीटे धीना धीटे। करना कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ता लगाना है आपको, ठीक है। और ता कहाँ पर लगेगा उसकी अच्छे से जगह बता देता हूँ मैं आपको, कि जैसे 1 2 3 4 अपन करते हैं ना, मैं करता हूँ 1 2 3 4, तो 4 पे आपको ता लगाना है, ठीक है। और 5 पे मीन्स 1 पे आपका सम आ जाएगा, ठीक है। एक बार देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब 4 पे लगाना है। और बोल के हिसाब से देखे तो छल्ला अगर नहीं भी पहना तो भी आपको ये बजाना है, ठीक है। और बार बार पैटर्न नहीं चेंज करना, एक पैटर्न को आप जितने हो सके उतनी देर तक आप बजाइए। बार बार पैटर्न चेंज करने से भी लाइव प्रोग्राम में माहौल बिगड़ता है। तो पहला आपका मुखड़ा हो गया ता, ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया। अब थोड़ा सा अपन यूनिक करके देखते हैं, तो एक लगेगा ता तिरकिट तिरकिट धिन धज धिंदा, है ना। तो बजाते हैं इसको उसी घेर में, ठीक है। ये वाला कहरवा जो मैं बजा रहा हूँ, अगर आपको ये कहरवा नहीं आता है तो एक वीडियो मेरी है, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी, उस लिंक के साथ जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। इसका बोल है तिट ता तेरे किट तक तेरे किट धिन, तिट ता तेरे किट तक तेरे किट धिन, ठीक है। बिल्कुल ईजी है, ये भी कोई टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपका हाथ सही साथ सेट हो जाए। तिट ता तेरे किट तक तेरे किट धिन, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है ये। और इसमें क्या करना है आपको, जैसा अपन पिछले वाला जो ता लगा रहे थे, अपन ता लगा रहे थे 4 पे, 1 2 3 4, 1 2 3 ता धिन, ऐसा करके। अब इसको क्या अपन 1 से लगाएंगे, तो ये आपके लिए और थोड़ा सिंपल हो गया है। 1 2 3 4 तिट ता तेरे किट तक तेरे किट धिन धज कि धिन धज कि, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले बता दो, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर देना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको हमेशा रोज तबला से रिलेटेड ऐसे लेसन मिलते रहेंगे। और अब आप मुझे कमेंट करके अपना क्वेश्चन भी बता सकते हैं, 100% आपके लिए एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो बोल क्या बताया मैंने इसके, तिट ता तेरे किट तक तेरे किट धिन, तिट ता तेरे किट तक तेरे किट धिन, ठीक है। अब एक बार देखिए इसको कैसे बजाना है। अब तिट इसमें आपको उल्टा लेना है, तिट इस तरह से, तिट तिट, एक और बार तिट ती, ये तीस फिंगर से ले रहा हूँ, फर्स्ट फिंगर से, ट इससे। अधिकतर मैं आपको उल्टा तिट बजाना बताता ही रहता हूँ, तिट फिर ता, ताई वाली फिंगर से फर्स्ट फिंगर से तिट ता, फिर तीर और क पीछे से लग जाएगा, तीर की ट, तीर की ट, तक तीर की ट, ठीक है, तिट ता, तिट ता, ये चीज समझ लीजिए बस, तिट ता वाली, फिर तिट ता, फिर तीर कीट, तीर कीट आपको बजाना आता ही होगा, तिट ता तीर कीट, फिर तक तीर कीट, तीर कीट तक तीर कीट, तो बहुत बार मैं बता चुका हूँ आपको, तिट ता तीर कीट तक तीर कीट, तीर कीट तक तीर कीट, तो बहुत बार मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी, मगर अभी भी देख लीजिए, तिट ता फिर तीर कीट और फिर तक, ये त इस वाली फिंगर से लगा रहा हूँ, फर्स्ट फिंगर से त, फिर क, तीर कीट,
कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, एक बार और समझिए। टीटे ता तेरे किटे तक तेरे किटे, टीटे ता फिर तेरे किटे तक तेरे किटे, ठीक है। अब एक और चीज में ऐड कीजिए, टीटे ता, ये ता में अगर आप प लगाएंगे तो और अच्छा रहेगा, टीटे ता ऐसा, टीटे ता तेरे किटे तक तेरे किटे, ता तेरे किटे तक तेरे किटे, ता तेरे किटे तक तेरे किटे, दोनों अच्छा लगेगा। अगर आप लगाते हैं तो भी अच्छा लगेगा, नहीं लगाते तो भी अच्छा लगेगा, एक ही बात है, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 तिट ता तेरे किट तक तेरे किट धीम, तिट ता तिट धीता धीट धीता तिट धीता, इस तरह से तिट ता तेरे किट तक तेरे किट धीट धीता तिट धीता, ठीक है। एक बार देखिए और बजा के दिखाता हूँ, 1 2 3 4 आ जाते हैं, 1 2 3 4 ठीक है। पैटर्न आप कौन सा भी लगा सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि आप यही वाला पैटर्न जो मैं बजा रहा हूँ आप ये वाला पैटर्न बजाएं, जैसे अगर आप इसको थोड़ी सी स्पीड में ट्राई करेंगे तो और पैटर्न आप बहुत लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें लगाएंगे 1 2 3 4 सारे वेरिएशंस आप कर सकते हैं इसके बीच में। और ये जो पैटर्न्स वगैरह मैं जो बजा रहा हूँ ये सब मैं आपको पिछले मेरी जितने वीडियो हैं सब में लगभग बता ही चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। और कुछ वेरिएशंस कुछ मेरे मन से हो जाते हैं लाइव में बजाते बजाते, मैं कुछ डिसाइड नहीं करता हूँ कि मुझे ये बजाना है, वो हाथ में आ जाता है बस, इसलिए जितना हो सके मैं उतना आपको पैटर्न्स वगैरह बताता रहता हूँ, क्योंकि लाइव प्रोग्राम के लिए पैटर्न्स सबसे जरूरी है, क्योंकि सॉन्ग अलग अलग तरीके सब होते हैं तो आपको अलग अलग तरीके पैटर्न्स भी आने चाहिए, ताकि सामने वाला ऐसा नहीं लगे कि इसको बहुत कम लिमिटेड पैटर्न्स आते हैं, आपके माइंड भी एक उस पैटर्न को लेकर चलना चाहिए कि आप किस पैटर्न को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये सब भी कोशिश करूंगा, मेरे दिमाग में जितनी चीज आती है उतनी चीज आपको बताने की मैं धीरे धीरे कोशिश कर ही रहा हूं। तो अब मैं आपको आपका थर्ड वाला और सबसे लास्ट वाला मुखड़ा आपको बजा के दिखाता हूं एक बार, तो पैटर्न शुरू करते हैं। थाप उठाने के लिए भी बहुत बढ़िया है ये। तो इसके बोल क्या है, तद्दिन तेरे किट तकता तेरे किट, तद्दिन तेरे किट तकता तेरे किट, एक और बार, तद्दिन तेरे किट तकता तेरे किट, बिल्कुल इजी है ये, कोई टफ नहीं है। तो चार्टी साइड से बताता हूं मैं कैसे बजाना है, तो तक थाप लग जाएगी, तक फिर गिन में बेस, तक गिन खुला बेस, तक गिन फिर तेरे किट तक तक तेरे किट, तेरे किट बजाया अपने, तीर किट तीर कीट, फिर त, त में फर्स्ट फिंगर आएगी, त तक, त फिर तक, ऐसा त के बाद क लगा लेना, तक ता, तक ता। अब देखिए ता में हमेशा ऊपर से इससे लगाता हूँ, थ्री फिंगर्स को ऊपर लाके चार तो साउंड बिल्कुल, आप चाहें तो ता इससे भी बजा सकते हैं, तक ता तेरे किट, ऐसा तक ता तेरे किट, तक ता तेरे किट, तक ता तेरे किट, ये भी इजी होता है। तो एक बार और समझिए, ये तद्दिन तेरे किट तकता तेरे किट, तद्दिन तेरे किट, ठीक है, तद्दिन तेरे किट तकता तेरे किट, तकता तेरे किट, तद्दिन तेरे किट तकता तेरे किट, ऐसा। और थोड़ा सा आपके हाथ में आ जाए फिर ता के बाद भी क लगा लेना, तद्दिन तेरे किट तकता के तेरे किट, तकता के तेरे किट, तकता के तेरे किट, ठीक है। अगर लगा सके तो, नहीं तो वैसे भी वो भरा हुआ ही लगेगा, तो एक और बार बजाते हैं इसको थोड़ा फास्ट में, 1 2 3 4 अब लगाते हैं, 1 2 3 4 वाले मैंने आपको तीनों मुखड़े आपके कंप्लीट करवा दिए, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ पैटर्न चेंज करने के लिए आप मुखड़े के साथ ही पैटर्न चेंज करें तो वो बहुत अच्छा होता है, तो उसमें एक वो यूनिक पना लगता है थोड़ा सा, और एक अट्रैक्शन भी अपने तरफ जाता है उसका, कि हाँ अपन ने अलग अंदाज में एक मुखड़ा चेंज किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।